dum dum diga diga mosam biga biga aur sunti baja मणिका कुछ इस तरह से लग रही है पूरी गोल्डन ड्रेस में। चीरू थोड़ा वैसे लग रही है थोड़ी हाई क्लास पार्टी वाली जो लड़की होती है बाल बाल थोड़े सेट कर पेस्ट्री पार्टी। और मैं कुछ इस तरीके से लग रहा हूँ वैसे पूरा बंद करने वाला है इसको ऐसे बंद कर लेते हैं बट आज मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया है। मतलब मेन वाला सेलिब्रेशन अभी होगा मतलब जो दिन में हुआ था वो इतना ज्यादा नहीं था yes. अब वाला ग्रैंड वाला है yes, it's a grand celebration. काफी सारे लोग आएंगे अभी Yeah.
चले चले के तले रात को बहुत मजा आया, बड़ी मस्ती मारी। पता नहीं किस टाइम आके सोया, मैंने टाइम देखा ही नहीं, मतलब देख के करता भी क्या। अभी सुबह हम लोग उठ गए हैं, पैकिंग वगैरह सारी कर ली है, मलिका नीचे चली गई है, ब्रेकफास्ट के लिए कॉल आ गया, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर वापस रूम में आएंगे, फिर ये सारा सामान लेके हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। मुझे पता था कि पार्टी में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि म्यूजिक इतना लाउड था, तो जो भी था जैसा भी था रिकॉर्ड कर लिया। अब मोबाइल और ये कैमरा चार्ज कर लेता हूँ क्योंकि रास्ते में जाते हुए वीडियोज बनानी है और अच्छे अच्छे शॉट लेने हैं। यही से गाड़ी बैठ जाएगी। क्या क्या खाया मिलेगा? मैंने फ्रूट्स खाए, फाइव स्पून पोहा खाया, मीठी लस्सी और दो चम्मच स्प्राउट्स। मैंने पोहा खाया, एक सैंडविच, लस्सी और फ्रूट्स, सबसे पहले फ्रूट्स और फिर फिनिशिंग तो मेरी चाय से ही होती है। मैंने चाय नहीं पी, मैंने मीठी लस्सी पी। नहीं है, मैं लाऊं इलायची डाल के? अच्छी है। क्यों? अब तू यहीं से गाड़ी में बैठ जाना। मैं यहीं से हाँ। वैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे नीचे जाना पड़ेगा, सामान वगैरह सारी चीज़ें मैं ले आऊँगा। मेरा बैग ज़रूर ले आना यार। अभी क्या कहीं और जाने का प्लान मिल रहा है क्या, भिवानी वगैरह? हाँ, अभी मैं लेकर से वीर जी वगैरह जो आए हैं उनको भिवानी से पिक किया है, मतलब भिवानी से कुछ 30 किलोमीटर आगे से, तो अभी ये हो रहा है कि शायद उनको घर पर ड्रॉप करें। मैं पूछती हूँ हेड ऑफ़ द फैमिली से क्या प्लान है। सामान वगैरह सारी चीजें पैक करके नीचे भेज दिया, सब कुछ चेक भी कर लिया। आई होप कुछ छूटा ना हो। देखिए टी शर्ट ये भी छूट जाती है मेरी, मेरी टी शर्ट थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि मैं आसानी से कोई चीज पसंद नहीं करता, मतलब टी शर्ट नहीं कोई भी चीज। एक बार फिर भी अब दोबारा नजर मार लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, मल्लिका का पर्स रखा हुआ है, मैं ही लेके जाऊंगा। बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके।
सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है ना वो ट्रेवलर में सामान लूट। रिजॉर्ट को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। मेरे साथ अभी मल्लिका, शानू और चीनू है और अपने संतोष भी है। संतोष नाम है ना आपका भैया? शुक्ला जी। संतोष शुक्ला नाम नहीं है? संतोष जी। अच्छा, वो मेरा एक दोस्त है संतोष शुक्ला और ये रिजॉर्ट है। स्टे करके मजा आया। बहुत ही ऑसम प्रॉपर्टी है। सभी को सब क्यों सभी सभी को मजा आया। कल रात को तो लड़ाई हो गई थी डीजे फ्लोर पे। मल्लिका सरपंच बनी हुई बैठी थी बीच में, हम सारे लड़ रहे थे। इतना डांस किया, इतना डांस किया सब लोगों ने। वो भी लास्ट कितने, मेरे ख्याल से 1-1.5 बजे की बात होगी वो। yes. है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है डीजे। एक तो प्रॉपर्टी भी सबसे अलग है ना, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती होगी। बाहर नहीं जाती। अभी मेरा GoPro का मेमोरी कार्ड फुल हो गया, मुझे लगा भी नहीं था कि मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया। मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही कम रिकॉर्ड किया है मैंने। अब लैपटॉप में अब बैकअप ले रहा हूँ और लैपटॉप भी जो है वो चीनू का है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में बैटरी काम नहीं करती है तो मुझे कुछ पावर स्विच चाहिए होगा अपना लैपटॉप ऑन करने के लिए। तो फिलहाल अभी चीनू का देखता हूँ। चीनू, तुम्हारा लैपटॉप स्लो है यार थोड़ा, मुझे लग रहा है इसमें टाइम लग जाएगा रिकॉर्ड करने में, मतलब कॉपी करने में। अब तुम्हारी बैटरी पता नहीं इतना साथ देगी नहीं देगी। हल्का सा काम हो जाएगा। ये देख भाई साहब का स्टाइल देख, चश्मा वश्मा पहन के, चश्मा हाईवे पे बहुत लोग करते हैं। अपने ये जो बाइकर वाइकर भी होते हैं ना, वो भी अलग से, जो मेरे जैसे मैं घूमने जाता हूँ कुछ लगवा लेते हैं वो एक रॉड सी। जब तक पैर उतारना चाहते हैं जब तक चले जाते हैं। कभी भी एकदम अचानक से ब्रेक लेनी पड़ेगी तो यही होगा, पैर पीछे लाएंगे तब तक तो अभी हमारी एक गाड़ी जो ट्रैवलर है वो बट भिवानी के लिए निकल गया है और हम अर्टिगा जिसमें बैठे हुए और मामा जी की एक्सयूवी, ये दो गाड़ियां लेके अभी हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह की रोड मेरी फेवरेट रोड होती है, बड़ा मज़ा आता है ओवरटेक लेने में बाहर निकल निकल के। हरी भरी भी है ना, पेड़ पौधे वगैरह सारे, अच्छा लगता है। थोड़ी शेडो, थोड़ी धूप। देखिए कबाड़ा है, जंक जंक वो वाली है, कबाड़ा गाड़ी है। मुझे लगा एक्सीडेंट हुआ। नहीं, यहाँ कबाड़ में जा रही गाड़ी लेने वाली हूँ। शानू, यस ब्रो। कौन सी? बलिनो नया वाला मॉडल जो भी है, लेकिन बलिनो मस्त गाड़ी है, अच्छी लगती है। स्विफ्ट से तो बेटर लगती है। हाँ। अभी वाली स्विफ्ट से बलिनो बेटर लगती है। दादू पापा बैग्स लेके दे रहे, मुझे बैग्स नहीं करना। जिंदगी खराब करके मेरे बैग जो मैच ने मैंने मैच की मैंने मेरे बैग से कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। दादू पापा को बोलना मैं कहा बैग पर बात करती हूँ, पापा उसको बैग्स पे दिला दी, दोनों दिला दी बैग्स में स्कोप है। फिर मैंने कहा बच्चों पढ़ी नहीं पाएगा मामा जी, फिर चीज पापा ने बैग्स नहीं दिलाई। ये चीनू की बात हो रही है जो मेरे पीछे लास्ट में बैठी है। मैं ये टॉयलेट तो नहीं जाएंगे। अच्छा, ड्राइवर चेंज हो रहा है। रोड अच्छी है ना एक तो, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, ट्रैफिक नहीं होता है, आराम से रेस पे पांव रख के और चलते रहो। चला लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छी चलाती है, डबल रोड भी है एक तो, और इतना ट्रैफिक भी नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं इनको चलाते। नहीं, नहीं चलाती है गाड़ी। मैं इनको दवा कराने ले जाता था कई बार, आपका कह रहा हूँ। गाड़ी खुद ही लेके अपना घूमती दिन में तो इनकी गाड़ी से। बहुत प्यार करता हूँ,
ये एक हफ्ते के अंदर अंदर बिक जाएगी। एक हफ्ते के अंदर बोल रहे थे भाई साहब। नहीं वो बेच भी देंगे अगर बेच नहीं होगा। एक हफ्ते में इसको हम निकाल देंगे। रास्ता अगर अच्छा हो तो डिस्टेंस भी बड़ा फास्ट फास्ट कवर होता है, वैसे ही हम फास्ट कवर करते हुए जा रहे हैं। अभी दिल्ली जो है वो 250 किलोमीटर रह गया होगा, जहाँ से हम चले थे वहाँ से 350 से ऊपर था। चीनों को बुखार आ गया है। हाँ पहले जैसे चीनों का नाम लिया उठ गई, फीवर हो गया। और शानू सो रही है क्योंकि उसका रात को ऑफिस है, उसे जागना है, वो गाड़ी में ही नींद कवर कर लेगी अपनी पूरी। आगे हमारी एक्सी भी जा रही है, इसके अंदर मेडिसिन है, थोड़ी देर में कहीं रुकेंगे तो ले लेंगे और चीनी को दे देंगे, थोड़ा ठीक फील करेंगे। यही होता है वापस लौटते वक्त, यही सब होता है।